सत श्री अकाल, मैं बलविंदर सिंह लैके हाजिर हाँ पंजाब की बात। सब तो पहला खबर दिल्ली तो है, पर सीधे तौर पर पंजाब नाल जुड़ी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का हल्ला बोल अज देखने को मिलेगा। अज दिल्ली के कनॉट प्लेस में अरविंद केजरीवाल के दिल्ली और पंजाब किए गए वादियों की फोटो प्रदर्शनी लाई जा रही है। तो अकाली दल बीजेपी का दावा है कि जो झूठे वादे किए गए ने उन्हां दी पोल जिहड़ी है इस प्रदर्शनी जरिए खोली जाएगी। दिल्ली तो बीजेपी के मैंबर पार्लीमेंट प्रवेश वर्मा ते मनजिंदर सिंह सिरसा वालों इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस खबर से ज्यादा जानकारी देने लिए साढ़े पत्रकार पंकज कपाही दिल्ली तो साढ़े लाइव जुड़ रहे हैं। पंकज, जानना चाहवांगे किन्ने बजे इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा, किस तरह की प्रदर्शनी है खास तौर पर रहेगी? बिल्कुल बलविंदर, अज 3 बजे के करीब कनॉट प्लेस दिल्ली में यह प्रदर्शनी लगाई गई है अकाली बीजेपी वालों। और पहली बार होया है कि अकाली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो आक्रामक रुख अपनाते हुए हूँ दिल्ली च मोर्चा खोलिया, क्योंकि इस तो पहला 2017 विधानसभा चोणों नूं लैके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पंजाब सरकार से लगातार निशाना साध रहे थे, लगातार पंजाब आ रहे थे और पंजाब सरकार के जिहड़े मुद्दे थे वो लोगों के सामने रख रहे थे। लेकिन पहली बार देखने को मिले कि हुण अकाली बीजेपी दिल्ली च एग्जीबिशन लगा रहे ने, और जिस तरीके नाल मैनीफेस्टो च आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार बनाने तो पहला जो दावे किए थे उसकी पोल खोलते हुए नजर आएंगे। जो जानकारी मिल रही है इस फोटो एग्जीबिशन विच खास तौर पे जो तो पंकज भाई साढ़े पत्रकार जिस तरह दस रहे सन कि दोपहर 3 बजे जी ये प्रदर्शनी जी है उसका उद्घाटन किया जाएगा। तो खास तौर पर जिस तरह के नाल अरविंद केजरीवाल पंजाब आके जो पंजाब की सरकार दल्ला करते हैं तो नाकामिया की गल करते हैं, तो उसी तरह अकाली दल तो बीजेपी हुण दिल्ली दे विच दिल्ली दे मुख्यमंत्री दे वो वादे दसणगे जिहड़े कि उन्होंने पूरे नहीं किए ने। अगे वधदे हां अगली खबर का रुख करते हैं। पंजाब कैबिनेट की कल मीटिंग हुई जिस दे विच विधानसभा इजलास की नवी तरीक का ऐलान किया गया। तो हुण 5 सितंबर की थां ते 8 सितंबर तो लैके 14 सितंबर तक पंजाब विधानसभा का इजलास होएगा। उधर कांग्रेस ने इल्जाम लाया कि जानबूझ के इजलास छोटा रखा गया, जबकि सरकार का कहना है कि जो लोड़ पई तो बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग विच इस नूं वधाया जा सकता है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अगुवाई विच पंजाब कैबिनेट की मीटिंग विच अहम फैसले लए गए। विदेश दौरे ते होण दी वजह नाल उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल कैबिनेट मीटिंग विच शामिल नहीं होए। पंजाब कैबिनेट की मीटिंग विच पंजाब विधानसभा के मानसून सैशन की तारीख 5 सितंबर तो बदल के 8 सितंबर कर दी गई है। यह मानसून सैशन 14 सितंबर तक चलेगा। विधानसभा का सैशन जिहड़ा पिछली कैबिनेट मीटिंग दे विच डेट फाइनल हुई सी, हुण उह जिहड़ा सैशन है 8 तरीक तो लैके 14 तरीक तक, 8 सितंबर तो लैके 14 सितंबर तक बुलाउण दा जिहड़ा फैसला कीता गया। देखो, जिन्ना जिहड़ा हाउस का बिजनेस इस वेले उहदे वास्ते समय की लोड़ है उन्ना समा सफिशेंट रखा गया। बाकी कोई किसी का सजैशन हो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग जिहड़ी है वह हमेशा सैशन की शुरुआत उत्ते हुंदी है, उहदे विच सारियां पार्टियां दे नुमाइंदे हुंदे उत्थे बैठ के डिस्कस हो जाएगा। पंजाब सरकार दी इसे मानसून इजलास विच जीएसटी बिल लियाउण दी तैयारी भी है। जीएसटी दा भी इशू आ रहा उहदे करके ओह भी इस सैशन दे विच होणा जरूरी है। सारियां स्टेटां ने अपना विधानसभा दे विच अपना पास करके पहला भेजना हुंदा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जदों वी कोई हुंदी है उदों स्टेटां दी वल्लों जाणा जिहड़ियां इह चीज़ां जरूरी हुंदियां, इस करके नैचुरली उह मुद्दा जाएगा। इस कैबिनेट मीटिंग विच कई अहम फैसले लए गए, जिन्हां विच जंडियाला गुरु नूं सब तहसील का दर्जा देने ते मोहर ला दी गई। इस दे नाल ही 198 सर्विस प्रोवाइडिंग ट्रेनर्स नूं क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर वजों रेगुलर करन दी भी मंजूरी दी गई। खिडारियां लई पंजाब पुलिस विच भर्ती होण दी वध तों वध उमर हद वधाई गई। इस दे नाल ही 2012 ओलंपिक्स तों पहलां दे मुकाबलियां दे प्रतिभागी भी पंजाब पुलिस विच नौकरी लई योग होणगे। पंजाब होमगार्ड्स ते सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट विच 14 खाली पईयां असामियां भरन नूं मंजूरी दित्ती गई। जगतार पुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। नवजोत सिंह सिद्धू दा सियासी भविख की होवेगा, इस नूं लैके सियासत ने एक बार मुड़ तों जोर फड़ लिया है। कांग्रेस आगू राजकुमार विरका दा कहना है कि
कि सिद्धू अखीर च कांग्रेस च आउणगे, जबकि नवजोत कौर सिद्धू वेरका दे इस बयान नाल इतफाक नहीं रखते। नाल ही नवजोत कौर सिद्धू दे आम आदमी पार्टी नूं लैके सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते विच पंजाब दी सियासत ने कई रंग बदले। सुच्चा सिंह छोटेपुर दे रूप दे विच आम आदमी पार्टी विच वड्डी बगावत हुई। नवजोत सिंह सिद्धू नूं लैके कांग्रेस दे सुर बदले। कांग्रेस हुण नवजोत सिंह सिद्धू नूं पुराना कांग्रेसी दसदे होए पार्टी विच शामिल करवाउण दा दावा कर रही है। उधर नवजोत कौर सिद्धू कांग्रेस दे इस बयान ते तंज कस रहे ने। पार्टी दा नवजोत सिद्धू इक ब्लड आ, कांग्रेस पार्टी नाल उहदे परिवार दा इक लंबा रिश्ता रहा है, और मैं ये गल कही है कि कांग्रेस पार्टी दे विच ही उन्हां दा गुजारा है, कांग्रेस पार्टी च ही उन्हां नूं आना चाहिदा है। अगर जे उहदी फैमिली नूं इस गल दे विच कोई इतराज है तो मैं कह नहीं सकदा, लेकिन मैनूं पूरा अज भी भरोसा है नवजोत सिद्धू कांग्रेस दा ब्लड है, कांग्रेस च ही आएगा। जी राजकुमार जी कह रहे हैं असी तो उन्हें मिले नहीं, जे उन्होंने सुपने च आया होवे भी असी किसी नूं मिले हां तो सुपना उही क्लियर करन, पर आई एम नॉट अ पार्टी टू इट, आई डोंट नो कि ऑप्शन की है। मैं ये कह सका कि ऑप्शन, क्योंकि कांग्रेस दा लीडर जिहड़ा कि अमरिंदर सिंह है वो एज गिल्टी है एज कोई होर बंदा है। उधर नवजोत कौर सिद्धू दे आम आदमी पार्टी नूं लै के भी सुरां विच तब्दीली वेखण नूं मिली है। नवजोत कौर सिद्धू दा कहना है कि उन्होंने कदे भी अरविंद केजरीवाल दी तारीफ नहीं की, बल्कि दिल्ली सरकार वल्लों चलाए जा रहे मोहल्ला क्लीनिक दी शलाघा की है। उधर सुच्चा सिंह छोटेपुर वल्लों भगवंत मान ते सिद्धू नूं लै के की बयानबाजी ते नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि सिद्धू दा सियासत विच कद काफी वड्डा है, इसलिए हर कोई उन्होंने सियासी कद नूं लै के परेशान हुंदा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਮੈਂ ਹੈਲਥ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਡਰ ਹੋਵੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਹੁਣ ਨਰਮ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨ ਗੋਸਾਈ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਹ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੇਪੁਰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਹਿਚਾਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਬਿਖਰਦੇ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ
उन्हों का मन इस गलते आऊगा जरूर कि भी असी कांग्रेस पार्टी ही वोट देिए। कथित स्टिंग करके सुच्चा सिंह छोटेपुर की कन्वीनर वजो बर्खास्तगी तो बाद आम आदमी पार्टी अंदर पैदा हुए रोह नू सियासी विरोधी अपने लिए मुनाफे का सौदा मान रहे हैं। छोटेपुर विवाद तो बाद आम आदमी पार्टी नू जिथे अपने सियासी विरोधियों के हमलों का सामना करना पै रहा है तो उथे पार्टी अंदर पैदा हुए विरोध नाल भी नजिठना पै रहा है। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी की खैबाजी दी खबरां नित दिन सुर्खियां बन रही ने। सीनियर लीडरशिप के नाल नाल पार्टी के वलंटियर्स ने भी आला कमान के खिलाफ बागी रुख अख्तियार कर लिया जापदा है, जिसकी झलक नवां शहर च देखने को मिली है। हालांकि पार्टी इस नूं विरोधियों की साजिश दस रही है। आम आदमी पार्टी की अंदरूनी खाना जंगी हुण सड़कां ते है। सुच्चा सिंह छोटेपुर विवाद तो बाद वलंटियर एक तो बाद एक इल्जाम लगा रहे हैं ते रोस मुजहरे कर रहे हैं। नवां शहर च मीडिया मुखातिब हुए वलंटियर ने हुण दिल्ली कमेटी के घोटाले के इल्जाम लाए ने। इन्हों का इल्जाम है कि परिवार जोड़ो मुहिम च इस्तेमाल किए गए स्पीकरों को वध मुल ते वलंटियरों को बेचा गया। इस दौरान आप दे एकेडी इंचार्ज गुरमेल सिंह मुताबिक पार्टी ने ताकीद की सी कि परिवार जोड़ो मुहिम तहत प्रचार लई स्पीकर कमेटी तो खरीदन, जिसकी कीमत 5,000 रखी गई जबकि उसकी बाजार कीमत 1600 रुपए है। इन्हों ने इस 30 लाख के घोटाले दोष लाए ने। वलंटियर का इल्जाम है कि आपदा दान नामक ऐप बना के पैसा इकट्ठा किया गया। नाल ही वलंटियर इस गलों भी खफा ने कि रैलियां च भीड़ इकट्ठी करने लई बुलाईयां बसां दे बिलां दी अदायगी भी नहीं हुई। आम आदमी पार्टी परिवार जोड़ो वास्ते पूरे पंजाब के विच इस पार्टी की जिनी भी 52 मैंबरी टीम लगी उन्होंने पंजाब के वर्करां नूं लुटन वास्ते एक स्पीकर अपनी पार्टी वालों देने का फैसला किया। हर पासे पे 5,000 का एक स्पीकर दिता गया जिहदी कोई रसीद नहीं दिती गई। जिहड़ी ऐप बनाई सी उसके संबंध में मैं दसना चाहुंदा हाँ कि यह भी लोगों दीआं अखां दे विच घट्टा पाउण वास्ते ही आम आदमी पार्टी ने ऐप बनाई। उधर आम आदमी पार्टी के सैक्टर इंचार्ज इन्हों इल्जामों निर आधार दस रहे हैं। उन्हों का कहना है कि विरोधियों की साजिश है। ये इल्जाम जोड़े है पूरे झूठ का पलंदा है, राजनीति तो प्रेरित है और पार्टी नूं सरासर बदनाम करने की जी है। वक्री सियासत का होका दे के सियासी पिड़ च नेत्री आम आदमी पार्टी हुण वक्री तरह के विरोध का सामना भी करना पै रहा है। कल तक जो पार्टी का झंडा फड़ के चल रहे सन उन्होंने हुण विरोध का झंडा फड़ लिया। न्यूज़ रिपोर्ट, जी मीडिया, नवां शहर। ते हुण गल करदे आं गाणियां दी सियासत दी। आम आदमी पार्टी ते अकाली दल तो बाद कांग्रेस पार्टी ने भी अपना नवा गाणा लॉन्च किया जिसका टाइटल है चौंदा पंजाब कैप्टन दी सरकार। ते हुण गाणियां दे जरिए सारियां सियासी पार्टियां पंजाब दे वोटरां नूं रिझाउण दी कोशिश कर रहियां ने। कांग्रेस ने भी लोगों नूं रिझाउण दे लई कैप्टन नूं हाईलाइट करदे होए गाना लॉन्च किया है जिसका टाइटल है चाहुंदा ए पंजाब कैप्टन दी सरकार। कांग्रेसी आगू राजकुमार वीरका दी मनीए तो लोगों नूं जागरूक करन दे मकसद नाल गाना तैयार किया गया। इस तो बाद बॉलीवुड स्टार्स दे नाल एक होर गाना रिलीज किया जाएगा जिसका टाइटल होगा आ गया कैप्टन, छा गया है कैप्टन। लोगों नूं मैसेज देने वास्ते, लोगों नूं अवेयर करन वास्ते हर तरीके दे नाल, चाहे वह गाने दे रूप दे विच होन, कविता दे रूप दे विच होन, और लोगों दे सामने असलियत लियान वास्ते ये जिहड़े गाने है उहदी शुरुआत कीती गई है। बड़ी जल्दी एक होर गाना जिहड़ा हैगा वह बॉलीवुड दे स्टारां दे नाल कीता जा रहा है जिहदे विच है कि आ गया कैप्टन, छा गया कैप्टन। कांग्रेस के गाना लॉन्च से अकाली दल के सीनियर लीडर चुटकी ले रहे हैं। उन्हों का दावा है कि कांग्रेस जो मर्जी करे सरकार अकाली दल ही बनेगी। देखो वो तो असी तो पहले ही कहने एक पासे कार्टून की पार्टी है, एक पासे ड्रामेबाजा की पार्टी है, तो इन्होंने तो हाँ कुछ ही करना है, डफली डुफली बजाते होंगे ये, वो डफलियां डुफलियां इन्होंने बजाई जानी है। इस तो पहला आम आदमी पार्टी ने नशे की मुश्किल लैके एक गाना जारी किया जिसका जवाब अकाली दल ने भी गाना रिलीज करके ही दिता। अमृतसर तो राजन गुसाई के नाल जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਵਾਂਗ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
नामधारी संप्रदाय की माता चंद कौर के कतल मामले च कानूनी चाराजोई च लगी पैणी साहब के सबका सरपंच सुखदेव सिंह परेशान ने। इस परेशानी की वजह एक धमकी भरिया पत्र जिस उन्होंने जान तो मारन की धमकी दी गई है। पंजाबी च लिखे इस पत्र च सुखदेव सिंह इस मामले तो लांभे हटन की धमकी दी गई है। सुखदेव सिंह ने इस संबंधी पुलिस को शिकायत दर्ज करवा दी है। 27 तारीख को हमारे को एक रजिस्टर्ड लेटर पहुंचा है। उस लेटर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर आपने माता चंद कौर जी की जो आपने पटिशन दायर की है अगर उसको वापस नहीं लिया तो आपका हाल वो किया जाएगा जो 2011 में अवतार सिंह तारी का किया था। माता चंद कौर की हत्या की पहेली हाले अनसुलझी है। इस दरमियान मिली सा नवी धमकी के मामले पुलिस बारीकी वेख रही है। एक लेटर दी है उन्होंने कहा इसकी पड़ताल करके जो कार्रवाई बनती है करी जाए। लेटर में इनको धमकाया उसको उसके बारे में वेरीफाई करके पड़ताल करेंगे जो बनती है कार्रवाई की जाएगी। जिक्र खास है कि माता चंद कौर हत्या मामले में सबका सरपंच सुखदेव सिंह ने पंजाब की हरियाणा हाईकोर्ट में पटीशन दायर करके कतलकांड की सीबीआई जांच की मांग की हुई है जिसके 20 सितंबर सुनवाई होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट। पंजाब एक बार मुड़ धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का मामला सामने आया है। पुलिस ने धार्मिक भावनावां भड़काउण का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो इस मंदभागी घटना से विधायक जस्टिस निर्मल सिंह ने कहा कि कुछ शरारती तत्व पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं। जिला फतेहगढ़ साहब एक धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का मामला सामने आया है। सब डिवीजन खमाणों विच पैंदे पिंड बदेशा कलां विच शरारती तत्तां ने एक धार्मिक ग्रंथ के अंगां नूं पिंड नेड़ियों लंघदी नहर के कंडे पाड़ के सुट दिता। इस मंदभागी घटना का पता लगन ते पिंड वासी मौके ते इकट्ठे हो गए अते मामले की सूचना पुलिस नूं दित्ती गई। पुलिस ने मौके ते पहुंच के सारे अंगां नूं अदब समेत खमाणों दे पुलिस थाने पहुंचा दिता है। इस घटना तो पिंड वासी दुखी ने अते उन्हां ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखो जी ये बहुत माड़ी घटना वापरी है। जिहड़े भी अंसर ने गलत काम किया उन्हूं सख्त तो सख्त सज़ा देनी चाहिए है तो गवर्नमेंट को चाहिए जल्दी तो जल्दी फड़ के उन्हें सज़ा दी जाए। उधर इस मंदभागी घटना से बसी पठाना हल्के के विधायक जस्टिस निर्मल सिंह ने कहा कि यह काम कुछ शरारती तत्तों ने किया है जो इलाके के अंदर शांति भंग करना चाहते ने। उस माहौल खराब करने वास्ते ये किसी ने साजिश रची है परंतु साड़ी फोरस DIG साहब SSP ते सारी फोर्स इस काम ते लगी हुई है। मैनू पूरी उम्मीद है कि जिहड़ा शरारती अंसर है वो जल्दी ही पकड़िया जाओ। इस घटना की गंभीरता नू देखते हुए रोपड़ रेंज के DIG अते जिला फतेहगढ़ साहब के SSP खुद मौके ते पहुंचे। पुलिस ने धार्मिक भावनावां भड़काउण के मामले में केस दर्ज कर लिया है अते जल्द ही मुलजमां नू फड़न का भरोसा जताया है। फोरेंसिक जांच भी की जा रही है और पहल के आधार पर सारी की सारी जो तफ्तीश है वो अमल से लिया जा रही है। सानू उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है कि बहुत जल्द असं इस केस क्रैक कर लवेंगे। इस मंदभागी घटना तो बाद पिंड वासी दुखी ने पर पुलिस वालों दिखाई गई गंभीरता करके उन्होंने यकीन है कि जल्द ही दोषी सलाखों के पिछे होंगे। हरप्रीत सिंह जी मीडिया फतेहगढ़ साहब। जैन मुनि तरुण सागर जी ते विवादित ट्वीट करन दा मामला पंजाब दे राजपाल ते चंडीगढ़ दे प्रशासक दे दरबार च पहुंच गया है। दिल्ली सरकार दे मंत्री सतेंद्र जैन ने इस मामले ते कहा कि जदों विशाल ददलानी माफ़ी मंग चुके ने तां मामला खत्म होना चाहिए है। जबकि जैन मुनि तरुण सागर ने कहा कि उन्हां नूं किसे नाल कोई गिला नहीं है। जैन मुनि तरुण सागर जी ते विवादित ट्वीट करन दा मामला पंजाब दे राजपाल ते चंडीगढ़ दे प्रशासक दे दरबार च पहुंच गया। जैन समाज के एक वफद ने चंडीगढ़ में राजपाल VP सिंह बदनौर नाल मुलाकात की। उन्होंने विशाल ददलानी के खिलाफ FIR दर्ज करके उन्होंने गिरफ्तारी की मांग रखी। सब लोगों ने जैन समाज की तरफ से राज्यपाल महोदय क्योंकि वो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं और ये जो प्रवचन हुआ चंडीगढ़ में हुआ, महाराज जी भी चंडीगढ़ में हैं और ये ट्वीट सारे चंडीगढ़ में पढ़ी गई है, तो हमने उनसे मांग की है कि इस केस की पूरी जाँच की जाए, FIR लॉन्च किया जाए और इसके लिए प्रोसिक्यूशन के लिए सरकार, क्योंकि चंडीगढ़ में राज्य सरकार भी वही है, केंद्र सरकार भी वही है, इसकी अनुमति दें, उनके खिलाफ FIR लॉन्च करके उनको गिरफ्तार किया जाए। अंबाला छावनी दे विच एक शख्स ने संगीतकार विशाल ददलानी अते तहसीन पूनावाला दे खिलाफ केस दर्ज करवाया। दोनों ते जैन भाईचारे दी भावनावां नूं आहत करन दा इल्जाम लग्या। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना तप वो कर रहे हैं आज जीवन नग्न रह करके पैदल चल के नंगे पैर रह करके हम और आप में से इतना करना किसी के बस का काम नहीं है जितना वो कर रहे हैं।
और आप सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए सामने वाले पे बकवास कर रहे हो और उसके बाद आप कह रहे हो जी कोई बात नहीं माफ़ी मांग लेंगे। माफ़ी आपने मांगी है, माफ़ी आपको मिले वो इसलिए है कि आप आगे से गलती नहीं करो, लेकिन ये जो काम करा है इसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। हाँ, वाला छावनी निवासी हैं पुनीत अरोड़ा, उनकी शिकायत प्राप्त हुई थी तो उसमें जांच के उपरांत तो जो उसमें कार्रवाई बनती थी लीगली तो वो उसमें उसके हिसाब से हमने FIR लॉन्च की है। तो विशाल ददलानी ने जैन मुनि तरुण सागर जी नू लेके विवाद ट्वीट करन तो बाद माफी मांग ली सी, पर जैन भाईचारे दे लोग इस नू नाकाफी दस रहे ने। चंडीगढ़ तो नितिका महेश्वरी दे नाल, अंबाला तो अमन कपूर, जी मीडिया। पंजाब पुलिस एक बार फिर तो सवालों के कटहरे च है। इस बार मानसा च पंजाब पुलिस के मुलाजमान से सवाल उठे ने। इल्जाम है कि पुलिस वाले ने एक बुजुर्ग नूं इन्ना कुटिया कि उसकी मौत हो गई। पंजाब के मानसा के पिंड जवार विच खाकी नूं खलनायक दस्या जा रहा है। खाकी ते सवाल उठाए जा रहे ने। प्रदर्शन कर रहे इन्हां लोगों का इल्जाम है कि पंजाब पुलिस के मुलाजमान ने 70 साल के एक बुजुर्ग नूं कुट कुट के मार दिता है। इल्जामा दे मुताबिक बुजुर्ग दलबीर सिंह दे घर विच पुलिस ने छापा मारिया सी। पुलिस नूं शक सी कि परिवार शराब की समगलिंग करता है, पर जदों पुलिस नूं छापेमारी के दौरान कुछ नहीं मिलिया तां पुलिस मुलाजमान ने बुजुर्ग नूं कुटना शुरू कर दिता, जिस दे चलदिआं उसकी मौत हो गई। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਇੱਕ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਜੇ ਪਾਲ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਡਿੱਗ ਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਉੱਧਰ ਆਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਧਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਊਂ ਡਿੱਗਿਆ ਖੰਡ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਖੜ੍ਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਲਏ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰੀ, ਬੁੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੜੇ 'ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੜਾ ਦਾ ਮਾਰਤਾ ਤੂੰ। ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਭੱਜਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਚਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ SHO ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਮਾਨਸਾ। ਖਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ SSP ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਸ਼ਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਸ਼ਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਈ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ 'ਚ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਹਰਸ਼ਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਕੇ ਸਾਥ ਅਫੇਅਰ ਥਾ, ਉਸਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੋ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਬਤਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਘਰ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿਆ ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ। ਤੋ ਵੋ ਆਪਣੀ ਤਾਈ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਥਾ ਮੁਝੇ, ਉਸਨੇ ਮੁਝੇ ਨਸ਼ੀਲੀ ਪਦਾਰਥ ਡਾਲ ਕੇ ਮੁਝੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਆ। ਪੀੜਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਾਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ FIR ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰ। ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਪਟਿਆਲਾ।